नमस्कार, मैं प्रिया। आज 30 अगस्त, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 1,32,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन 24 घंटे में 2,087 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 1,32,935 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 104, अरवल में 18, औरंगाबाद में 29, बांका में 35, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 69, भोजपुर में 25, बक्सर में 26, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 71, गया में 53, गोपालगंज में 104, जमुई में 43, जहानाबाद में 20, कैमूर में 5, कटिहार में 67, खगड़िया में 4, किशनगंज में 42, लखीसराय में 32, मधेपुरा में 47, मधुबनी में 112, मुंगेर में 25, मुजफ्फरपुर में 98, नालंदा में 44, नवादा में 16, पटना में 315, पूर्णिया में 81, रोहतास में 32, सहरसा में 64, समस्तीपुर में 80, सारण में 60, शेखपुरा में 23, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 30, सिवान में 26, सुपौल में 51, वैशाली में 50, पश्चिम चंपारण में 81। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,15,074 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 679 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन हुई जारी। कोविड-19 के माहौल के बीच देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियों की अनुमति मिल सकेगी। धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल किए जा सकते हैं। 21 सितंबर के बाद से रैली में 100 से ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही जारी किए गए गाइडलाइन में सितंबर महीने तक प्रभावी रहेगा। वहीं 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोले जाएंगे। 30 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया है। 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकेंगे और अपने टीचर से मिल सकेंगे। वहीं अब राज्य कोई खुद लॉकडाउन का फैसला नहीं ले सकेगी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेना सभी राज्यों के लिए जरूरी हो गया है। कंटेनमेंट जोन में जिस तरह की पाबंदी लगाई गई थी वो जारी रहेगी। मेट्रो ट्रेन कुछ शर्तों के साथ 7 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इस दौरान इंटर स्टेट और आउटर स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक टोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईटीआई में 3,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। बिहार सरकार ने आईटीआई के लिए 3,000 से अधिक पदों का सृजन किया है, जिसके शिक्षक से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मी की पदों पर सृजन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो इसके बाद बहुत जल्द इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 15 साल पहले सरकार आईटीआई की संख्या कम थी, लेकिन अब इतने दिनों में आईटीआई की संख्या 3 गुना बढ़ गई है और यही कारण है कि विभाग ने 3,000 पदों का सृजन करने का फैसला लिया है, जिसकी पूरी सूची श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 सितंबर से मिलेगा ईपीएफ का लाभ। बिहार में नियोजित शिक्षकों को 1 सितंबर 2020 से ईपीएफ का लाभ बिहार सरकार देने वाली है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बीते दिन अपना संकल्प जारी कर दिया है। नीतीश कुमार ने इस संबंध में पहले ही कैबिनेट की स्वीकृति दे दी थी। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के तहत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन में 1 अप्रैल 2021 को दिए जा रहे वेतन में 15% की वृद्धि की स्वीकृति दे दी गई है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के मद्देनजर राज्य सरकार ने शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की ईपीएफ स्कीम से देने का निर्णय लिया है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के घर पर जाकर किया जा रहा है सत्यापन। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अब ऐसे मरीजों के घर पर जाकर सत्यापन कर रही है और उनके पास आवश्यक संसाधन मौजूद है या नहीं। जिसके लिए घर पर आइसोलेशन के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है, उन्हें नजदीक के कोविड-19 अस्पताल में भेजा जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे संक्रमित नहीं हो रहा हो, साथ ही उनका इलाज भी बेहतर ढंग से किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी और बताया है कि अभियान चलाकर इसका सत्यापन कराया जा रहा है। बिहार में लिपिक वर्ग में 306 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बीते दिन बिहार में बड़ी संख्या में लिपिक और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित समारोह में बिहार के अलग अलग जिलों से जुड़े खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि पति पत्नी के 15 साल के राज्य में खेल कोटे से एक व्यक्ति को भी नियुक्ति नहीं की गई है, मगर लिपिकीय और परिचारी संवर्ग के 306 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। बीते दिन पटना के मरांची पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन गंगा उद्योग प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने पटना के मरांची पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया। लगभग 2800 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से गंगा नदी के पवित्र जल को नालंदा, नवादा और गया तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करवाई जा रही है। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परियोजना से संबंधित जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर मंत्री नीरज कुमार, जदयू नेता ललन सिंह समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए।
जीतन राम मांझी का स्टैंड 2 सितंबर को होगा फाइनल। हम प्रमुख जीतन राम मांझी की तरफ से महागठबंधन को अलविदा कहने के बाद अब उनके स्टैंड को लेकर राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है। वहीं जीतन राम मांझी ने 2 सितंबर को अपने पार्टी में नए दल के साथ गठबंधन के संबंध में घोषणा करने का संकेत दिया है। पहले 30 अगस्त यानी कि आज उनकी पार्टी की होने वाली बैठक में इस बात का फैसला लिया जाना था, मगर कुछ कारणों की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद जीतन राम मांझी की फिलहाल बसपा, एनसीपी, एमआईएम, वामसेफ से लेकर यशवंत सिन्हा के लोगों से बातचीत चल रही है, जिसकी पुष्टि जीतन राम मांझी ने खुद की थी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सबा करीम की। सबा करीम भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम में वो दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर थे। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बखूबी काम किया है। भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबा करीम का जन्म 14 नवंबर 1967 को राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने अपने सबसे पहले ओडीआई 23 जनवरी 1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। वहीं उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 10 नवंबर 2000 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और आखिरी ओडीआई उन्होंने 30 मई 2000 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। सबा करीम ने अपने खेल से देश का नाम कई बार रोशन किया है। उन्होंने अब तक कुल मिलाकर 34 ओडीआई में 362 रन बनाए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 120 मैच में 7,360 रन बनाए थे। वहीं एक टेस्ट मैच खेलने में सबा करीम ने 15 रन का स्कोर हासिल किया था। वहीं उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत बिहार में 1982 में की थी और वो मात्र 15 साल के थे। बिहार प्रशासनिक सेवा के 94 अफसरों का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा के 94 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। वहीं बीते दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है और बड़े पैमाने पर BAS अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें ADM, SDO, DDC, सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट, पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत कई विभागों के 94 BAS अफसरों के नाम शामिल है, जिसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अफसरों का तबादला किया गया है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 संदिग्ध को बूथ पर टोकन सिस्टम में से प्रवेश करवाने का दिया सुझाव। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव को कोविड-19 के माहौल के बीच सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का खाका तैयार कर लिया है, जिसके तहत राज्य भर में कोविड-19 संदिग्ध मरीजों को भी मतदान केंद्र में कैसे लाना है इस बात पर विचार विमर्श कर लिया गया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि मतदान केंद्र पर टोकन सिस्टम से प्रवेश दिया जाएगा। कोविड-19 संदिग्धों को दिए गए टोकन पर समय निर्धारित करते हुए दोबारा बूथ पर वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने जिलों को अनुपालन की तैयारी करने का आदेश दिया है। उद्योग मंत्री ने एक सप्ताह में कल्याणपुर का रमेश्वर जूट मिल शुरू करने का किया ऐलान। कल्याणपुर में एकमात्र बचे जूट मिल को लेकर के शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बिहार सरकार के योजना और विकास उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिया है। इसके तहत उन्होंने बताया है कि एक सप्ताह में कल्याणपुर स्थित रामेश्वर जूट मिल चालू कर दिया जाएगा। इस संबंध में मिल मालिक से उनकी बातचीत हुई है। बिहार सरकार के पास जूट का बकाया पैसा है, वहीं इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव से बातचीत हो गई है। लगभग 10 करोड़ 26 लाख का बकाया दर्ज किया गया है, जिसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। JEE और नीट को लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। सितंबर महीने में JEE और नीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने दोनों परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की समस्या की समीक्षा कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अवगत कराने की बात कही है। इससे पहले राज्य सरकार ने परीक्षा को लेकर क्या किया है, वहीं सरकारी स्तर पर अभी कोई समीक्षा इस विषय पर नहीं की गई है। चिराग पासवान ने लिखा है कि पार्टी का आग्रह है कि जल्द समीक्षा कर छात्रों की रक्षा की जाए। राजद नेता हर्षवर्धन सिंह और पूर्व डीजी सुनील कुमार जदयू में हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन राजद नेता रह चुके हर्षवर्धन सिंह और पूर्व डीजी सुनील कुमार ने जदयू का दामन थाम लिया है, जिसके तहत सांसद ललन सिंह ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। वहीं इस दौरान ललन सिंह ने कहा है कि चुनावी मैदान में कौन उतरेगा कौन नहीं इसका फैसला पार्टी करती है। आपको बता दें, साल 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार की छवि एक तेज तर्रार IPS ऑफिसर की रही है। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी को काफी उम्मीद भी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई खत्म। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से लगातार बीते 2 दिनों से CBI की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं इसी क्रम में बीते दिन की पूछताछ खत्म हो चुकी है। CBI ने लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की है, जहां पर DRDO गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती पुलिस की सुरक्षा के बीच पहुंची थी। वहां पूछताछ के बाद 2-3 सिपाही रिया चक्रवर्ती के घर भी पहुंचे थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपनी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस से गुहार लगाई थी और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती के अलावा गेस्ट हाउस में कई राजदारों से भी पूछताछ की गई है, जिसमें मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह का नाम शामिल है।
बिहार में मखाना विकास योजना पर खर्च किए जाएंगे 494.90 लाख। बिहार में मखाना विकास योजना पर 494.90 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मखाना विकास योजना पर पैसे खर्च किए जाएंगे। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत राज्य योजना मध्य में इसकी स्वीकृति दे दी है। मखाना के उत्पादन कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर एवं मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को भी शामिल किए जाने की बात कही गई है। वहीं रोड मैप के तहत दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि जिलों में मखाना फसल के रूप में विशेष तौर पर चिन्हित है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 8.5 लाख का लिया गया चालान। बिहार में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देश पर जिलों में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले ड्राइवर पर सख्ती से पेश आया जा रहा है। राज्य के NH और SH पर हेलमेट सीट बेल्ट विशेष जांच मुहिम चलाई जा रही है। वहीं कानून का पालन नहीं करने वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत पैसे भी वसूले जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जांच मुहिम के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 456 उल्लंघन करने वालों से विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 8.5 लाख की वसूली की गई है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के सांसदों को दिया बड़ा काम। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार चुनाव के मद्देनजर पार्टी के सांसदों के साथ बीते दिन आयोजित बैठक में सभी सांसदों को बड़ा टास्क दिया है, जिसके तहत JP नड्डा ने सभी सांसदों से एक महीने में 60 गांव का दौरा करने का आदेश दिया है। आयोजित बैठक में बीते दिन बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद दिखाई दिए। इतना ही नहीं, भाजपा नेतृत्व ने अपने सांसदों के लिए काम नहीं करे बल्कि NDA के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए मेहनत करने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर पप्पू यादव ने लगाए आरोप। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लेकर बीते दिन पप्पू यादव ने जमकर बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आंकड़ों और तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कला कोई उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से सीखे। नीतीश कुमार के तमाम महत्वपूर्ण विभाग भाजपा और उनके विधायकों के पास है, फिर भी विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरह टकटकी लगाने फितरत बन गई है। सुशील कुमार मोदी के सत्ता में बने रहने से दोहरी रणनीति के कारण भाजपा जमीन से कटे और विचारधारा से रहित पार्टी बन गई है। सिद्धांत सिर्फ दिखावा, बाहरी आडंबर भरे हैं। सुशील कुमार मोदी की थेट्रोलॉजी हद पार कर चुकी है। श्रेयसी सिंह जल्द ही विधिवत तरीके से थामेंगी राजद का हाथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह राजनीति में कदम रखने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार श्रेयसी सिंह 3 सितंबर को राजद की सदस्यता लेने वाली है। माना जा रहा है कि वो बांका के अमरपुर सीट से विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। श्रेयसी सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव राजद की सदस्यता दिलवाएंगे। गौर करने की बात यह है कि शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेयसी सिंह ने साल 2014 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। वहीं साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करके भारत और बिहार का नाम रोशन किया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लिया निशाने पर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आर्थिक न्याय की बात करते हैं, जिसमें 28 साल में 52 संपत्ति अर्जित की गई हो। उनके पिताजी ने कैसे आर्थिक न्याय किया है ये वो जानते हैं। सिर्फ वही नहीं, जनता भी अच्छी तरीके से वाकिफ है इनकी पार्टी के राज में कैसे सरकारी धन लूटे गए हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने राजद की सरकार आने के बाद आर्थिक न्याय दिलाने की बात कही थी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए बड़े आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए कहा है कि सरकार बिहार की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। COVID-19 का RT-PCR जांच नहीं हो रहा है। पहले भी हर रोज 2500 पॉजिटिव मिलते थे और अब जब 1 लाख COVID-19 जांच हो रही है तब भी 2500 पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। सच तो ये है कि आज सिर्फ एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है और सरकार एंटीजन टेस्ट कर अपनी वाहवाही लूट रही है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सुरेश रायना के IPL 2020 से हटने पर इमोशनल दिखे शेन वॉटसन। चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। कुछ दिनों पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कई सदस्य COVID-19 से संक्रमित पाए गए थे। वहीं अब टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी सुरेश रायना टीम से बाहर हो गए हैं। निजी कारणों के कारण वो IPL के इस बार देखने को नहीं मिलेंगे और भारत वापस लौट चुके हैं। वहीं उनकी टीम से बाहर होने के बाद शेन वॉटसन काफी भावुक नजर आए हैं। उन्होंने इसके लिए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने रायना के परिवार वालों की सेफ्टी को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपके नहीं होने पर पूरी CSK टीम आपको मिस करने वाली है। आप टीम की धड़कन रहे हैं। इस बार हम सब कुछ करेंगे जिससे आपको गर्व महसूस हो सके। आप खुश रहें और सुरक्षित रहें। वहीं सुरेश रायना के जाने से CSK की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है।
एप्पल अब अपना सर्च इंजन करेगी लॉन्च। गूगल सर्च इंजन स्पेस में काफी ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। वहीं आम खबरों की माने तो एप्पल भी अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो एप्पल का सर्च इंजन में गूगल को कड़ी टक्कर दे सकता है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल iOS 14 बीटा के साथ गूगल सर्च को चुनौती देने के लिए अपने स्पॉटलाइट सर्च को लाना चाहती है। ऐसी खबरें हैं कि स्पॉटलाइट सर्च इंजन के लिए एप्पल द्वारा इंजीनियर की नियुक्ति की जा चुकी है। बिहार चुनाव में इस बार बूथों पर तैनात किए जाएंगे संविदाकर्मी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बूथों पर संविदाकर्मियों को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सशर्त मंजूरी दे दी है। राज्य निर्वाचन विभाग की अनुशंसा पर चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है। आयोग की तरफ से मिली मंजूरी के बाद कर्मियों की कमी से जूझ रहे निर्वाचन विभाग को बड़ी राहत मिली है। कोविड-19 के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता के कारण 1.5 गुना बढ़े मतदान केंद्रों के लिए कर्मियों की कमी एक बड़ा मुद्दा बनकर चुनाव आयोग के सामने आई थी, मगर अब संविदाकर्मियों की तैनाती का रास्ता साफ होने से चुनाव आयोग की परेशानी को खत्म करने में कारगर साबित हो सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजा सिंह, पूजा कुमारी ऑफिशियल, सोनू कुमार, बबीता यादव, नमन कुमार, कीर्ति सिंह, सोनिया कुमारी, राजनाथ सिंह, खुशबू कुमारी, हरेंद्र यादव, प्रभात कुमार, ललिता देवी, आलोक कुमार, विकी कुमार, श्यामलाल कुमार, प्रतिभा सिंह कुमार रवि, अमरेंद्र कुमार, भोला पासवान, श्याम शर्मा, रंजन सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुरेश रैना की टीम से बाहर जाने के बाद CSK की टीम पर कितना असर पड़ेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।